अपने कुछ मैंने कई बार सत्संग शेयर किया है आपके प्लेटफॉर्म पर एवरी टाइम इट्स सो एक्साइटिंग व्हेन एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी. जब भी मैं मुझे ये मौका मिलता है तो आई बिकम लाइक ए स्मॉल चाइल्ड. ऐसा लगता है कि गुरु जी के बारे में इतनी इतनी चीज़ें शेयर करनी है, इतनी इतनी चीज़ें बतानी हैं, इतनी इतनी अपने खुद के एक्सपीरियंसेस जो गुरु जी ने दिए हैं. यूजुअली आई ऑलवेज शेयर माय ओन एक्सपीरियंस, मेरे अपनी इमीडिएट फैमिली के एक्सपीरियंसेस, उससे जो हम अपने इनर मोस्ट फीलिंग्स आपके साथ पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. सो आपको शुरू में बस एक शॉर्ट में बताऊंगी कि किस तरह से जैसे गुरुजी से हम जुड़े. और बचपन से ही मैं शिव जी की और माता रानी की भक्त रही हूँ. बचपन से ही मुझे भक्ति मार्ग पर, मुझे तो ऐसा लगता है मेरा जन्म ही हुआ है खाली पूजा पाठ करने के लिए. मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा परेशान रहते थे कि इतना ज़्यादा इस यंग एज में इतनी ज़्यादा इसको लगन है. बट दैट वाज़ द वही एक चीज़ थी जो मुझे इतनी अंदर से खुशी देती थी और अभी भी देती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक स्लोली जब टाइम आया तो गुरु जी ने अपने दरबार में बुलाया. एंड जिनकी मैं आराधना करती थी, शिव जी को सोमवार का व्रत रखती थी, जल चढ़ाती थी, और मतलब अंदर ही अंदर उनसे प्रार्थना करती थी आपके दर्शन कब होंगे. एंड वो जो मेरे आराध्य थे महादेव, उन्होंने ऐसे ऐसे ये लीला रचते हैं शिव जी. आप शिवपुराण में आप क्या तो है ये शिवपुराण का कि किस तरह से वो लीला रचते हैं. जब हमारे कार्मिक अकाउंट से जो जो हमें दुख प्राप्त होते हैं वो इसलिए प्राप्त होते हैं कि हम उनसे और जुड़ सकें. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी दुख हो रहा हो तो आप कभी भी हिम्मत ना हारें. वो सब कुछ आपको गुरु जी से इतने क्लोज ले जाएंगे, इतने आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर देंगे, फेथ स्ट्रॉन्ग कर देंगे. एंड दैट इज़ द रीज़न खुशी में हम इतना नहीं याद करते हैं, पर जब हमें दुखों ने घेरा होता है तब हम अपने दिल की पुकार जो गुरु जी को तक जाती है. तो उसी हालत में गुरु जी ने अपने दरबार में बुलाया. मेरी बेटी की आस्थमा की बहुत प्रॉब्लम थी और किस तरह से गुरु जी ने मेरी प्रार्थना सुनी जो मैं दिल ही दिल शिव जी से, महादेव से, माता रानी से प्रे करती थी, और उन्होंने अपने दरबार में बुलाया 98 में दिसंबर में. हम सिंगापुर में उस समय बेस थे, मेरे हस्बैंड का ओवरसीज असाइनमेंट है एमपीजी का, तो हम सारे सियाटल से ही वहाँ मूव करे थे 96 में. एंड 98 में गुरु जी ने अपने दरबार में बुलाया एंड दैट वॉज द चेंज ऑफ आर डेस्टिनी. जैसे कहते हैं ना, एक नया जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है. तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान मिल गए हैं, क्योंकि आप जब आप पूरी उम्र जब ढूंढते हैं भगवान को और उनकी अनुभूति करना चाहते हैं, और जब वो सामने आ जाते हैं तो आपकी सोल बता देती है आपको, वो अनुभूतियाँ होने लगती हैं दैट यू आर लुकिंग फॉर. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विथ मी. There was no doubt who's Guruji. क्योंकि Guruji ने इतने experiences दिए, क्योंकि ये कौन हो सकता है जो बिना बताए आपकी दिल की बात सब कुछ जानता है, और कौन हो सकता है जो कहीं भी आप रहें उनकी नज़रें आपके ऊपर हैं, उनको सब कुछ मालूम रहता है. सो Guruji is omnipotent, omniscient and omnipresent, सब जगह. मतलब हम सिंगापुर से आते थे और गुरुजी सब कुछ बता देते थे कि कहाँ हम गए थे, क्या किया हमने, हमारी डेली एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है. जो मन में होता था वही गुरुजी उसको रिपीट कर देते थे. और उसके बाद जिस तरह से मेरी बेटी का आस्थमा ठीक किया, ये कोई नहीं कर सकता था. हम US में, वो पली US में ही बहुत साल हम थे यहाँ पर, और सब कुछ ट्रीटमेंट उसको दिखा दिया था. उसको होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इंडिया का जो है और यहाँ US का बेस्ट ट्रीटमेंट जो उस समय था, कुछ भी नहीं उसको फ़ायदा हुआ. और भी उसका एस्मा अटैक सिवियर होता गया, यहाँ तक कि उसको शी वॉज हुक्ड ऑन स्टेरॉइड एंड एंटीबायोटिक्स एंड नेबुलाइजर एंड पफ्स.
सो मैनी एलर्जीज। सो एक माँ के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना वो कितना मुश्किल टाइम था वो। और उसमें जब आपको एक रोशनी दिखती है, गुरु जी लाइट, गुरु जी केम इन आवर लाइफ एज अ डिवाइन लाइट, जिन्होंने हमें राह दिखाया। और हमारी बेटी का आस्मा ऐसे क्षण भर में गुरु जी ने ठीक कर दिया। गुरु जी तो यूँ ही कहते थे जय कल्याण कर देते हैं, वो ठीक हो गई। ये ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? और नॉन अज्यूमिंग, गुरु जी तो कभी भी नहीं कहते थे ये करो वो करो। गुरु जी कहते थे जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, बस मेरे लिए थोड़ा सा समय निकालो। गुरु जी खाली हमारा प्यार चाहते थे, क्योंकि देखिए गुरु जी के दरबार में सब मांगने आते थे। गुरु जी कहते थे बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो मेरे से प्यार करते हैं और मेरे खाली मेरे दर्शन के लिए आते हैं। एंड जो उस भाव से आता था गुरु जी उसको पहचान लेते थे और उनको भी बड़ी खुशी होती थी ऐसे संगत के साथ। बहुत खुश होते थे गुरु जी जब आप भाव देते हैं, उनको प्यार देते हैं विदाउट एनी डिजायर्स, विदाउट एनी वॉन्ट्स, विदाउट एनी डिमांड्स। तो यूं ही गुरु जी से हमारा सफ़र शुरू हुआ। एंड इट वॉज जस्ट आई कैन नॉट एक्सप्रेस, वो तो आप किस तरह से अपने अंदर की भावनाएं तो हम नहीं आपको मैं महसूस कर सकती हूँ, और होपफुली आप सब भी महसूस कर रहे होंगे, आप सब जुड़े हुए हैं गुरु जी से। और एक्चुअली मैं तो सोचती हूँ कि आप सब बहुत धन्य हैं, यू आर मच मच अहेड ऑफ अस, बिकॉज हमने तो गुरु जी को देख के ही उनके साथ जुड़े और उन पर पेत आया। पर आप सब लोग बगैर देखे गुरु जी को इतना जुड़े हुए हैं, इतना फेथ है आप सबको। सो आई गेस आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द न्यू संगत, आप सब से। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ, दुबई में भी, सारी जगह वर्ल्ड में गुरु जी फैले हुए हैं, उनकी सुगंध फैली हुई है सब जगह। आज का दिन गुरु जी का प्यार वाला दिन है। गुरु जी कितना प्यार करते थे संगत में, तो संगत से तो मैं वही कुछ शेयर करूँगी जो इट जस्ट डिनोट्स द लव ऑफ योर गुरु। और ऐसे जब मेरी बेटी ठीक हो गई, उसका आस्था बिल्कुल ठीक हो गया, एक भी पफ उस दिन से, इट वॉज आई स्टिल रिमेम्बर, इट वॉज दिसंबर 1998। और आज का दिन गुरु जी की ऐसी कृपा कि उसने एक बार भी पफ नहीं लिया, जो कि हमेशा इन्हेलर पर ही हुक रहती थी। तो गुरु जी भगवान नहीं तो कौन है? और उसके बाद हमारा सफ़र गुरु जी के साथ, गुरु जी ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए, इतनी अनुभूतियाँ दी, इतना प्यार दिया कि वापस आने का मन नहीं होता था। ऐसा लगता था हम यहीं रह जाएं, गुरु जी के पास ही रह जाएं। क्योंकि आप जब रियलाइज़ करते हैं डिविनिटी को, एंड व्हेन योर सोल रिकग्नाइजेस दैट, you don't want to separate, because that is the purpose of our existence, that is the purpose why we came on this earth, to fulfill our karmic account. And uske sath agar aapko divine mil jate hain to aap kya kya aur chahte hain? That was the purpose, to come and meet our maker, and our maker was right there amongst us, Mahadev सामने बैठ करके। वॉट एल्स डिड वी नीड? नथिंग। नोबडी वॉन्टेड टू लीव गुरु जी। और गुरु जी के दरबार में इतना सुंदर गुरु जी क्रिएट करते थे वो एम्बियंस, जैसे वो स्वर्ग में, जैसे सत्संग में हम बैठे हों। इतनी अच्छी सुगंध, इतना अच्छा वातावरण, द होल एम्बियंस वॉज सो, आई वुड से इट वॉज, इट मेड एवरीबडी फेल लाइक वी आर एट होम भगवान के साथ। That's where we belong, because Guruji तो non-judgmental और unconditional love देते थे हर सब को। हमारी सब कमियों के साथ ही हमें accept कर लिया गुरुजी ने। और कभी भी हमें गुरुजी कभी किसी को कुछ नहीं कहते थे। तो ऐसे ही इतना बेइंतहा प्यार दिया गुरुजी ने। गुरुजी बस एक शब्द में अगर मैं गुरुजी को
डिस्क्राइब करूंगी, सो आई वुड ओनली से ही वॉज द एपिटोम ऑफ डिवाइन लव. एंड टुडे इज द डे ऑफ लव, एंड डिवाइन लव सबसे ऊंचा लव है हमारे अपने स्पाउसेस के साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ. वी ऑल लव ईच अदर, पर वो जो डिवाइन लव जो परमात्मा के साथ है, जो गुरु जी के साथ है, दैट इज फॉर अ सोल. एंड व्हेन गुरु जी एक्सेप्ट अस एंड फुलफिल्स अस, तो आपकी जिंदगी में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, विदाउट एनी रीजन यू आर ऑलवेज हैप्पी, बिकॉज गुरु जी इज जस्ट फिलिंग योर सोल विद लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. एंड ही इज द रीजन कि हम सारे आगे बढ़ते जा रहे हैं, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइव्स. सो यू ही हमारा पूरा जर्नी चलती रही. एंड आई विल जस्ट शेयर वन और टू एक्सपीरियंसेस, आई वुड लाइक एमपीजी टू शेयर मोर. सो मैंने तो कई बार शेयर किया है, तो बस वन थिंग दैट व्हेन आई थिंक ऑफ लव आई रिमेंबर वन. बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, पर एक जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो मैं आज शेयर करूँगी आपसे. और व्हेन आई रियलाइज दैट आई हैव मेट माय मेकर, दैट आई हैव मेट माय मास्टर, आई हैव मेट व्हाट आई हैव बीन लुकिंग फॉर ऑल माय लाइफ, हु आई वाज प्रेइंग फॉर इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी. माय ओनली डिजायर वाज टू सर्व हिम, बट आई वॉज वेरी शाय. और गुरु जी से तो कोई बात नहीं कर सकता था. आई रियली वॉन्टेड टू गो एंड हग हिम, बट आई वॉज शाय, आई डिडंट डू दैट. आई यूज टू सी सो मेनी आंटीज गोइंग एंड हगिंग हिम, एंड आई यूज टू जस्ट थिंक दे आर सो लकी, बट आई कुड नेवर डू दैट बिकॉज आई हैड दैट गरिमा ऑफ गुरु जी, गरिमा ऑफ गुरु जी. गुरु जी इज गॉड, I cannot even touch him. Guruji, itne sundar, itne pure, itne divine. I used to feel that unko chhune se hi hum Guruji ke haath gande ho jayenge. And one day, we had come from Singapore, and उस समय सिंगापुर में बहुत सार फैला हुआ था. SARS आप सबको मालूम है, एंड इट वॉज़ अ वेरी हार्ड टाइम, एंड मेंटली एंड फिजिकली सब बहुत ही उस समय आज की तरह नहीं है. इतना मीडिया है सर जिसमें सब आ जाता है. खाली टीवी होता था और टीवी में दिन रात भर ही न्यूज़ आती थी. एवरीथिंग वॉज क्लोज, नथिंग वॉज ओपन, स्कूल्स वर क्लोज, एंड वी कुड नॉट इवन गो आउट. एंड गुरु जी से बस हम गुरु जी की ही उनके शब्द टेप, उस समय टेप्स होते थे, सुनते रहते थे. एंड फाइनली माय हस्बैंड सेड वी शुड गो टू दिल्ली, एंड बहुत ही मुश्किल टाइम था. किसी तरह से मास्क लगा के वी ऑल वेंट टू गुरुजी, बट वी डिडंट वांट टू गो टू संगत बिकॉज वी डिडंट नो, वी वांटेड टू क्वारंटीन आसर. तो हम वहाँ होटल में इम्पीरियल में ठहरे हुए थे, अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं गए. And we thought we'll stay here for 10 days and then we'll go to Guruji's Sangat. But dil nahi maan raha tha. We just wanted to go and have a glimpse of Guruji. So, bahut hi ek do din ke baad hum log gaye aur darte darte ekdam jaake piche. Nahi to hamesha mera man hota tha main Guruji ke samne baithun. Ekdam jaake piche baith gayi main. And we thought nobody will notice us. I had covered my head, jaisa I always used to do in front of Guruji. And we were all sitting and लंगर हुआ. मैंने लंगर खाया, एंड लंगर खा के मैं जैसे ही उठी, बाहर जाके हाथ धोना होता था, जैसे मैं उठी मुझे याद है गुरु जी बैठे थे, एंड मैं इनका गांधी जी बैठी हुई थी उनके पास. एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी स्क्रीम्ड एट मी, शी सेड उषा आंटी कम हियर, कम हियर. गुरु जी वॉज टेलिंग मी दैट यू जस्ट केम फ्रॉम सिंगापुर, एंड आई वॉज शॉक्ड. आई हैड नॉट टोल्ड एनीबडी, पर गुरु जी तो सबको जानते हैं ना, हर एक भक्त की से कनेक्टेड है गुरु जी, एंड ही नोज एवरीथिंग. एंड शी सेड दैट गुरु जी टोल्ड मी दैट यू हैड जस्ट अराइव फ्रॉम सिंगापुर, एंड गुरु जी वॉज सो हैप्पी टू सी मी.
एंड ही सेड आजा आजा एंड माई हैंड्स वर डर्टी बिकॉज मैंने उससे मैं लंगर खाया था एंड आई सेड गुरु जी मैं अभी हाथ धो के आती हूँ आई डिडंट वांट टू टच हिम आई डिडंट वांट टू बी क्लोज टू हिम टू टेल यू द ट्रूथ आई वांटेड टू बी अवे फ्रॉम गुरु जी बिकॉज आई डिडंट नो इफ वी वर द कैरियर्स आई डिडंट वांट टू जस्ट बी देयर इवन आई वाज फीलिंग वेरी गिल्टी एट दैट टाइम एंड मैं बाहर गई मैंने बहुत अच्छी तरह से हाथ धोए अपने एंड आई केम बैक एंड गुरु जी गेव सो मच लव दैट डे सो मच लव गुरु जी के आँखों से एंड गुरु जी गेव मी हिज फीट एंड ही सेड चल मेरी सेवा कर एंड आई डिडंट वांट टू टच गुरु जी एंड आई स्टार्टेड प्रेसिंग हिज लेग्स एंड आई वाज क्राइंग एंड आई वाज थिंकिंग कि गुरु जी आई एम सो लकी आप मेरा पूरा डर जो था जो मेरे मन में जो एक हिचक थी सब कुछ वहाँ मेरे आंसू से सब बह गया नथिंग वॉज देयर विद इन मी एवरी थिंग वॉज एम्प्टी एंड गुरु जी वॉज फिलिंग विथ हिज लव ही जस्ट ही वॉज सो काइंड एंड स्माइलिंग द होल टाइम एंड मेनका जी वॉज टेलिंग मी दैट हाउ गुरु जी वॉज रिमेम्बरिंग अस एंड ही वॉज सेइंग दैट वी ऑल आर कमिंग हियर टू गुरु जी ही नोज एवरी थिंग एक एक भक्त की के बारे में गुरु जी को सब कुछ मालूम है बिकॉज ही इज भगवान ही इज महादेव ही इज परमेश्वर ही इज द अल्टीमेट दैट डे आई कैन नेवर फॉरगेट एंड उसके बाद अनदर टाइम जस्ट लास्ट सत्संग आई विल शेयर दिस दैट इज वेरी डियर टू माई हार्ट गुरु जी की बेइंतहा प्यार गुरु जी का बेइंतहा लव जो है गुरु जी का वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ आई कैन ओनली फील इट एंड रियलाइज लव इज ऑलवेज अराउंड इवन नाउ एवरी सिंगल डे ही गिव्स सच सटल मैसेजेस एक्सपीरियंसेस दिस जिस दिन भी मेरा मन कभी भी उदास होगा गुरु जी कोई ना कोई वे में अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं ही इज ऑलवेज देयर ऑलवेज So one day I was sitting at Empire State and काफ़ी गुरु जी की कृपा रही है गुरु जी ने हम सबको इतना प्यार दिया कि हम जब सिंगापुर से आते थे गुरु जी हम सबको बड़ी रात तक बैठाए रखते थे बिकॉज दैट वॉज द ओनली पर्पज पीस टू कम फ्रॉम सिंगापुर टू डेली टू हैव गुरु जी दर्शन एंड गुरु जी न्यू दैट दैट वॉज द ओनली रीज़न एंड गुरु जी वहाँ पूरे टाइम 2-2.5 घंटे लगते थे हमें नोएडा से आने में एंड गुरु जी मालूम था गुरु जी को वहीं बैठाए रखते थे बड़ी रात तक एंड गुरु जी आफ्टर संगत गुरु जी यूज टू सिट ऑन द कारपेट एंड टॉक टू अस लाइक अ फादर लाइक अ फ्रेंड लाइक द मोस्ट एल्डेस्ट मेम्बर ऑफ अ फैमिली हमारे लेवल में आके बातें करते थे गुरु जी तो एक दिन गुरुजी अपने आसन में बैठे थे एंड बहुत कम संगत बची थी एंड मैं जाके पीछे बैठ गई कि मैं देखती थी कि जोशी आंटी और सिंगला आंटी ये सब किचन में लगी रहती हैं मेरा मन होता था मैं भी गुरुजी के लिए कुछ सेवा करूं और ये सेवा भाव भी गुरुजी ही डालते हैं जब आपके मन में इतना प्यार आता है अपने गुरु के लिए तो यू वॉन्ट टू डू समथिंग सो पर समझ नहीं आता था कि क्या कर सकते हैं वहाँ पे मुझे मालूम नहीं था क्या यहाँ वहाँ का प्रोसेस है तो मैं पीछे किचन के पास जाके बैठ गई मैंने सोचा आंटी जब बाहर आएंगी क्योंकि नोबडी वाज अलाउड टू गो इन द किचन इट वाज लाइक अ ओनली फॉर सेवादार तो मैं कभी अंदर गई नहीं थी तो मैं बाहर किचन के बाहर बैठी हुई थी वेट कर रही थी एंड गुरु जी अपने आसन में बैठे थे कुछ संगत वहाँ उनके अराउंड थी बात कर रहे थे एंड जोशी आंटी किचन से निकली सो आई अप्रोच टू हर एंड कहा आंटी नमस्ते आंटी मैं कुछ सेवा कर सकती हूँ आपकी हेल्प कर सकती हूँ जूठे बर्तन धो दूँ कुछ कर दूँ तो वो कहने लगी कि यहाँ पर तो वही होता है जो गुरु जी कहते हैं आप गुरु जी से जाके पूछ लीजिए तो आई नेवर यूज टू टॉक टू गुरु जी आई वॉज वेरी शाय टू रियली से मच ओनली वेन गुरु जी यूज टू आस पहले शुरू में बहुत बात करते थे गुरु जी एंड देन देयर वॉज अ टाइम वेन गुरु जी टोल मी कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है एंड आज से हम टेलीपैथी में बात करेंगे सो सिंस दैट डे आई हैव नेवर आस्क्ड एनीथिंग टू गुरु जी इवन नाउ आई नेवर आस्क गुरु जी ओनली हिज ब्लेसिंग्स
and that is it. So I was just, I didn't know what to do. So I said, नहीं नहीं मैं नहीं पूछ सकती गुरु जी से. आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड शी सेड नहीं नहीं आप जाइए. एंड गुरु जी इतनी दूर बैठे थे अपने आसन में. एंड गुरु जी इज़ एवरीवेयर, ही इज़ हियरिंग एवरी थिंग, इट डजेंट मैटर वेर यू आर. एंड गुरु जी इज जस्ट गॉट अप फ्रॉम हिज आसन एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स मी एंड ही सेज एंड ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी. आई स्टूड अप एंड आई सेड आंटी कहती हैं पूछिए पूछिए. शी स्टार्टेड एल्बोइंग मी एंड मैंने कुछ पूछा नहीं, मैं नीचे देखने लगी. गुरु जी कहते हैं कि पूछो आंटी, उषा आंटी क्या पूछना है. एंड ही आस्क्ड मी ट्वाइस. सो आई सेड वेरी मीकली, बहुत ही डर से मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी कोई सेवा मिल सकती है, मैं यहाँ जूठे बर्तन धो दूँ, कुछ कर दूँ. एंड गुरु जी जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही लाफ्ड स्माइल एंड ही सेड नहीं, तुझे कोई लोड नहीं है, तू जा ऐश कर. And I felt very small at that day, to tell you the truth. I was not convinced. I said, Guruji, I'm not even capable of doing any seva for my Guru. Maybe I'm full of my own faults. I have to clean my soul up. I have to sit in meditation more. I have to realize a lot of things. That was my thought. So I went back. I started sitting in meditation. I used to get up early morning and try to change my life a little bit, because Guruji आपको दर्शन दिखाते हैं, आपको राह दिखाते हैं. And you start realizing that जब आपके गुरु कह रहे हैं कि जा ऐश कर, तुझे लोड नहीं है, then I didn't understand ऐश कर. I only understood that I'm not capable of doing any seva. So that was my thought process at that time. पर Guruji को तो सब कुछ मालूम है ना. And वन डे जब सिंगापुर से आए तो एक दिन आई वॉज अलोन एट दैट टाइम. एम पी जी वॉज ट्रैवलिंग एंड माई सन वॉज ऑल्सो नॉट वेल, सो ही वॉज नॉट विथ मी. आई वॉज अलोन. एम्पायर स्टेट में बहुत देर तक बैठे थे. एंड गुरु जी लुक्ड एट मी एंड ही टोल्ड मी, कल तो 5 बजे आ जाई. आई वॉज वेरी 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 हैप्पी दैट गुरु जी इज गोइंग टू गिव मी सम स्पेशल टाइम. And I went back, मैं रात भर सो नहीं पाई. एंड मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम 2 बजे आ जाना, क्योंकि 2.5 घंटे लगते हैं आने में. एंड गुरु जी हैज़ गिवन मी टाइम, सो आई हैव टू बी देयर बिफोर द टाइम. जब भगवान आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, आपको उनके आने से पहले वहाँ पहुँचना होता है. एंड आई जस्ट कुड नॉट स्लीप. आई वॉज वेटिंग एंड आई डिडंट शेयर इट विद एनीबडी वेयर आई एम गोइंग. आई जस्ट सेड आई हैव टू गो समवेयर. अब मैं वहीं देर से आऊँगी, सत्संग चली जाऊँगी गुरु जी के पास. बिकॉज वन इट्स बिटवीन गुरु जी एंड यू, दैट्स ऑल, नोबडी एल्स इज बिटवीन. एंड आई जस्ट गॉट रेडी वेरी अर्ली एंड वी लेफ्ट. एंड बहुत ही ट्रैफिक थी, बहुत ट्रैफिक थी उस दिन. एंड आई जस्ट केम एंड गुरु जी की मर्यादा, आई मीन आई कुड हैव जस्ट गॉन इन साइड गुरु जी रूम, बट आई जस्ट स्टूड एम्पायर स्टेट में जो गए हैं वहाँ चबूतरा है, मैं बाहर ही बैठी हुई थी. दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, पर आई डिडंट हैव द आई डिडंट वांट टू जस्ट पुश माई सेल्फ द डोर एंड गो इन साइड. आई थॉट आई सिट हियर टिल समबडी विल कम आउट एंड आई विल टेल देम. आई वॉज वेटिंग देयर फॉर सम टाइम एंड देन जोशी अंकल केम एंड ही सेड, अरे आप यहाँ बैठी हैं, गुरु जी आपका इंतजार कर रहे हैं अंदर. So I just went inside and Guruji was sitting on his sofa, and I went and I touched his feet, and Guruji looked at his watch and he said, Aunty to 5 minutes late aayi. So as we all conditioned, I started telling him, Guruji, main to bahut der se chali hu, bahut traffic thi. And I didn't even tell him that I have been waiting outside since 10-15 minutes. Anyway, Guruji के सामने कोई तर्क नहीं चलता है. You just forget everything and you just sit there in silence. I was just sitting in silence without any single word, and ऐसा लग रहा था एकदम जैसे heaven में बैठे हों. इतनी सुगंध, इतनी शांति, जो आपकी आत्मा की शांति. The reason that we want to experience that bliss, I experienced that day. And just बहुत देर तक ऐसे बैठे रहे एंड देन ऑल ऑफ सडन गुरुजी आस्क्ड मी, मैंने बहुत भूख लगी है, जा मेरे लिए कुछ खाने वास्ते कुछ लेके आ. एंड
आई गॉट अप, बट अंदर किचन के किसी को अलाउड नहीं था, तो मैं कभी गई नहीं थी. इट वॉज लाइक ए लक्ष्मण रेखा. आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर समबडी टू कम आउट एंड आस्क देम कि गुरु जी को भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए आप ले आइए. आई स्टूड देयर फॉर फ्यू मिनट्स, बट आई वॉज स्केयर्ड कि फिर ना देर हो जाए. गुरु जी ने कहा था तू लेट आई है 5 मिनट, सो आई वॉज स्केयर्ड दैट आई हैव टू लिसन टू गुरु जी. नोबडी केम आउट एंड फाइनली माई माइंड माई हार्ट टोल्ड मी आई हैव टू गो इन साइड एंड गेट समथिंग फॉर गुरु जी. आई वेंट इन साइड. फर्स्ट टाइम आई सॉ गुरु जी किचन, इट वॉज पिक एंड स्पैन. एंड वो काउंटर पर एक ट्रे सजी हुई रखी थी, उसके ऊपर लाल कपड़ा रखा हुआ था. एंड आई डिडंट इवन ओपन, आई थॉट ये गुरु जी के लिए है, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था. जब गुरु जी आपको कुछ कहते हैं ना, गुरु जी क्रिएट कर देते हैं. 100% गुरु जी ने वो क्रिएट किया हुआ था. एंड आई जस्ट पिक्ड अप द ट्रे एंड आई ब्रॉट इट इन फ्रंट ऑफ गुरु जी. आई पुट इट इन फ्रंट ऑफ गुरु जी ऑन द टेबल एंड गुरु जी लुक्ड एट मी एंड ही सेड एनो कोल्ड. आई डिडंट इवन नो व्हाट्स इनसाइड. आई ओपन्ड इट एंड देयर वाज सम हॉट पॉरेज. सी किचन में कोई भी नहीं था वहाँ पर. एंड वो कहाँ गरम गरम चीज़ें थीं वहाँ से, कौन कैसे कौन रखे क्या कुछ नहीं मालूम. एंड आई जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ गुरु जी एंड गुरु जी लुक्ड एट मी एंड सेड मेरा मुँह जल आएगी एनो ठंडा कर. सो आई स्टिल रिमेंबर इट मस्ट बी समर टाइम एंड द फैन वॉज रनिंग एंड आई जस्ट जैसे आप बच्चे के लिए खाने के लिए आप ठंडा करते हो, मुझे वही याद आ रहा था. मैं उसको बोल को पंखे के नीचे रख के ऐसे स्पून से उसको स्टर कर रही हूँ, उसको ठंडा कर रही हूँ कि एट द राइट टेम्परेचर फॉर गुरु जी. एंड जब मुझे लगा कि ठीक है, तब फिर मैंने गुरु जी के सामने रखा एंड गुरु जी लुक्ड एट मी एंड गुरु जी सेड मैंने ख्वाब. आई स्टार्टेड फीडिंग गुरु जी लाइक अ चाइल्ड. गुरु जी वॉज ईटिंग एंड आई फेल जैसे गुरु जी छोटे हो गए, जैसे कृष्ण जी को माँ यशोदा खिलाती थी, मुझे वो एहसास हुआ उस दिन. एंड आफ्टर आई फिनिश गुरु जी जस्ट आस्क मी टू जस्ट लीव इट देयर एंड जस्ट डोंट वरी अबाउट एनी थिंग. आई जस्ट लेफ्ट इट ऑन द टेबल एंड आई केप्ट सैट डाउन क्वाइटली एंड आई वॉज क्राइंग दैट आई रियली वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर गुरु जी एंड गुरु जी हैज़ गिवन मी दिस डिवाइन अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम दैट डे. And continuously, my tears were not stopping and I was just sitting there quietly and Guruji, after some time, Guruji got up and he said, Ja, maina, mera chola likhya. I didn't know, I had never been seen Guruji's chola or anything. I've been to Guruji's room many times, but I don't know where his chola is, right? So I just got up and as I stood up, I could see that ek हैंगर में उनका चोला रखा हुआ था. आई ब्रॉट इट एंड गुरु जी स्टूड अप एंड गुरु जी सर मैंने पाओ एंड आई जस्ट पुट ऑन हिज चोला एंड आई रियलाइज दैट गुरु जी कुड बिकम रियली टॉल. हम उनको सोचते थे गुरु जी बहुत फ्रेल है. बट दैट टाइम आई फील लाइक आई एम इन फ्रंट ऑफ गॉड. गुरु जी इतने बड़े विशाल रूप में ऐसे मुझे लगने लगे. And I just put it on Guruji and then he said, Meri Jyoti Pa. So I brought his Jyoti was right there. I put in front of Guruji. And Guruji looked at me and said, Menu Pa. So I picked up his feet with my hands and I put it in his Jyoti. And I was continuously crying. And then he sat on the sofa again. He never told me anything that day. We never had a conversation. Everything was happening in silence. And I went in deep meditation. Jaise sachkhand aisa lag raha tha ki pura wo ambience kahin aur hai hum. Wo room nahi lag raha tha. All of a sudden, I didn't see Guruji. He must be behind or somewhere. I don't know. Guruji is God. He can disappear, go anywhere. He can take me anywhere with him also. And all of a sudden वो पूरे रूम में millions and millions of roses and it was लग रहा था कि जैसे शंख नाद हो, पता नहीं कहाँ है वो जगह. and I started hearing ओम chanting जैसे गुरु जी अपने बॉडी से ओम की ध्वनि निकालते थे, वैसे ध्वनि सुनाई पड़ने लगी मुझे ओम की. but I could not even open my eyes even if I wanted to. I could only feel. After some time, I came back. Guruji brought me back
however, and then he sat on the sofa, and then he looked at his watch, and he said, "Acha, main sangat vich chala, tu 5 minute baad aayi." And I didn't realize how much time had passed. I had been there from 5 o'clock till almost 8:30, and Guruji got up and he went and sat on his throne, and I was in the room and I kept looking at my watch because Guruji 5 minutes mein late aayi thi, so I didn't want to be late. So I just after 5 minutes quickly I got up and I started walking, and Guruji asked me to sit wherever he wanted, and I sat there. And you can imagine the whole Sangat was there and they kept looking at me, you know, and I felt very humbled with Guruji's love and Guruji's grace. And my whole being was smelling of fragrance. My whole body, my hair, my clothes, everything, my hands, and most of all, my soul was fragrant that day. That is what I wanted, to serve my Guru. I wanted some seva. And Guruji gave so much love that day. He showered. So, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ. So I'm so grateful to Guruji and thankful for this, especially on day of divine love, that how much he has showered. So I'm so so happy to share this experience with you. Experiences तो बहुत बहुत हैं प्यार वाले, जो गुरुजी ने हमेशा प्यार ही बांटा है संगत में. अब मैं MPG से रिक्वेस्ट करूँगी वो अपना कुछ शेयर करें. एंड जय गुरुजी, थैंक यू सो मच, यू ऑल आर हियर.